मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिससे दो व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति जलने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घायल को जैसलमेर में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी लगते ही थाना अधिकारी अरुण कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। थाना अधिकारी अरुण कुमार ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया गया है। वायर शॉर्ट हुआ, चौपन आड़ी पे वायर शॉर्ट होने से मूंजा की छत थी, मूंजा की छत पेंट्रोल से भी ज्यादा आग पकड़ती, इसने आग पकड़ ली और हो गई। अब मैं मेरे कने फोन गयो, मैं कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर हो क्या आग लाग गई दुकान के माँ, तुम 8-10 किलोमीटर चाल के वापिस आए हो, दुकान पर पहुंचे हो बी टाइम में ट्रैक्टर और सारा लोग भी वहां लाग रहा है अब आग बुझाने के लिए, और खूब जबरदस्त आग लाग रही, छत भी वो कच्चो हो, ऊपर छत में आग लाग गई, नीचे दुकान में सामान हो वो भी जल रहे हो। ये राम कुमार है, ये मेरे बड़े भाई के लड़के का साला है, तो मौके पर आगे देखे इतने जुलूस किया, इसको मिट्टी से पासा करके उनको निकाला बाहर। कल दिनांक 2 मार्च को शाम करीब 5:15 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि 54RD SBS पर एक किराना की दुकान में आग लग गई है, जिस पर मैं अपने जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, जहां रामकुमार निवासी 7BD व गैमर सिंह निवासी सांकला को जो मलबे में दबे हुए थे मलबा हटाकर बाहर निकाला गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी, और घायल कुंदन सिंह निवासी डिग्गा जलने से गंभीर घायल हो गया, जिसको मेरे पहुंचने से पहले इलाज हेतु जैसलमेर ले जाया गया, जहाँ से जोधपुर रेफर किया गया।